मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सिवान के सराय थाना क्षेत्र के लहरा टोली में मोहल्ले के ही युवकों द्वारा मिलकर एक 17 वर्षीय लड़की से जबरदस्ती का मामला प्रकाश में आ रहा है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की ने बताया कि वो अपने घर के दरवाजे के पास काम कर रही थी, तभी मोहल्ले के ही 3 लड़के घर में घुस गए और चाकू की नोक पर जबरदस्ती करने लगे। लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ पहुंची, तभी तीनों लड़के वहां से भाग खड़े हुए और भागने के दौरान चाकू से हमला कर दिया। इलाज करवाने के लिए सिवान सदर अस्पताल पहुंचे लड़की के परिजनों ने तीनों युवक से बेटी और खुद की जान को खतरा बताया और जिला प्रशासन से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। तो आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित जो लड़की है उसका और उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है। बकरी को खिला रहे थे, बकरी हमारे घर में घुस कर हमारे मुँह दाब दिए और हमारे सब कोशिश कर रहे थे। जब तक हम मम्मी को चिल्लाए वो हमको चूड़ी मारती। बोलो 6 बजे यही हुआ था कि बकरी बांधने के लिए बरामदा में पट्टी मतलब खिला रही थी। उसके बाद से वो आया छेड़खानी सूख से दिया, छेड़खानी करने के बाद ये चिल्लाई हमको, उसके बाद से इसको हाथ लगाने लगा। हाथ लगाने के बाद ये बोली कि मम्मी तले मुँह दाब दिया। दाबने के बाद हम उधर से आए, आने के बाद मतलब इसको जब ब्लड देख लिए तो हमको चक्कर आ गया। चक्कर आने के बाद हम इसको में चक्कर धो लिए, पकड़ कर बैठ गए। उसके बाद से वो जो है दोनों भाग गया। उसके बाद से चाचा के चिल्लाए कि रजे चाकू मार के भाग गया सर। तब जब वो आए तो उसके पास कोई नहीं था, वो चारों पांच भाग गए। हम दबा दिया है, इधर उधर हाथ लगा रहा था इसको, इसी कारण चिल्लाई। फिर बावजूद इसको मार के भाग गया। 6 बजे का घटना है। नहीं है सिर्फ आज कल ये है, किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी से कोई बात है, ना कोई चीत है। नहीं अभी नहीं दी गई है, अभी हम तुरंत हॉस्पिटल लेकर भाग गए। नाम और पता बता। शिव कुमारी देवी, मखदूम सराय सिवान। शिल्पा देवी, शिल्पा कुमारी। बताइए पूरा मामला क्या है। पूरा मामला सर यही है, हम गए थे टीडीएस मछली लाने, घर पर ही अकेले उसोरा में बकरी है, उसी को पतंग खिला रही थी। इसको अकेले देख के भूसा लोग, कोई घर में नहीं है तो ये लोग घुसा लो, घुसने के बाद इसका मुंह बंद किया लो, विरोध की तो इसको चाकू मार दिया लो। तब तक उसका मम्मी दौड़ी है, तो ये अपने बेटी को संभालते हुए गिर गई वो भी है ना, और वो 2-3 के संख्या में था और सब दारू के नशे में एकदम बेहोश था। क्या तुम प्रदीप कुमार, विकास कुमार और एक और लड़का था, उसका भी विकास नाम था। उसका बाप का नाम जलेंद्र है, अयो का राम जी नाम है बाप का नाम, एक का नाम का बाप का। पूरा टोली कराने वाले हैं, कोई दुश्मनी नहीं है ना, हम लोग बराबर आके द्वार पर तंग करता है लोग। हम लोग एक दो घर आइए हैं, वो लोग बराबर आकर हम लोग जातीय के तौर पर हम लोग एस सी जाते हैं, वो लोग पता है लोग कि बराबर इस सब का कोई इज्जत नहीं है, बराबर ही लोग आकर टॉर्चर करता है लोग। प्रशासन के पास तो क्या, हम लोग अब जा रहे हैं हम लोग, कितना बार हम लोग झगड़ा करें। पहले भी इसके भाई के साथ वो लोग टॉर्चर करता था लोग, नहीं हम लोग समझा बुझा दिए थे कि सब झगड़ा अच्छा नहीं, हम लोग झगड़ा वगैरह नहीं पढ़ते हैं। समझ कार्रवाई है, जो इस लड़की के साथ अन्याय हो, हम लोग के साथ अन्याय हो। तालिक है इसके, पूरा जिंदगी तबाह कर दिए लोग। मान लीजिए हम लोग जान का, इसका जान का, हम लोग घर पर आए अपने काम धंधे चल जाए और घर में इसी तरह घुस कर कोई भी आके मार के चला जाएगा। हम लोग को सुरक्षा चाहिए, उधर पूरा गश्ती होबे नहीं करती है। जल्द से जल्द उसको अरेस्टिंग करके सजा दिया जाए। बस बताइए, मेरा नाम राजेश चौधरी, मखदूम सर लहरा टोली का रहने वाला हूँ, हम इसका अंकल हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।